हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंपैरिजन करेंगे इन्फिनिक्स नोट 9 प्रो में और रियलमी 5 आई में, और जानेंगे दोनों फ़ोन से कौन सा फ़ोन है बेस्ट आप लोगों के लिए। तो हम बात करते हैं डिस्प्ले से। तो इन्फिनिक्स की डिस्प्ले है 6.6 इंच की, रियलमी की है 6.52 इंच की, और दोनों फ़ोन का रेजोल्यूशन सेम है 720x1600 पिक्सल, और दोनों ही फ़ोन में IPS LCD डिस्प्ले का यूज किया गया है। डिस्प्ले में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बात करते हैं प्रोसेसर की। तो इन्फिनिक्स का है मीडियाटेक का P22, CPU है 2.0 GHz ऑक्टाकोर का, और इसमें 12 नैनोमीटर्स का फिनफैट, और इसका GPU है 8320 का, और रियलमी का प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का है 665 का, CPU है 2.0 GHz ऑक्टाकोर का, और इसमें 11 नैनोमीटर्स का फिनफैट, और इसका GPU है 610 का। प्रोसेसर के मामले में रियलमी आगे हैं। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इन्फिनिक्स का है एंड्रॉयड 10 और रियलमी का है एंड्रॉयड 9.05। बात करते हैं बैक कैमरा की। तो इन्फिनिक्स का बैक कैमरा क्वाड में है, 14 मेगापिक्सल प्लस 2 प्लस 2 प्लस से मतलब आपको लो लाइट सेंसर, और रियलमी का बैक कैमरा क्वाड में है 12 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 मेगापिक्सल का। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, दोनों का सेम है 8 मेगापिक्सल का। बैक कैमरा के मामले में इन्फिनिक्स आगे हैं। बात करते हैं बैटरी की, दोनों में सेम है 5000 mAh की बैटरी है दोनों फ़ोनों में ही, और दोनों फ़ोनों में ही नॉर्मल बैटरी है, आप दोनों की बैटरी को निकाल सकते हैं, और दोनों फ़ोनों में आपको फ्रंट में ग्लास मिलता है और बैक प्लास्टिक मिलती है। बात करते हैं चार्जर की, दोनों का सेम है 10 वाट का चार्जर है दोनों में, और दोनों में माइक्रो यूएसबी का सपोर्ट दिया गया है, और फिंगरप्रिंट सेंसर फेस लॉक भी दोनों फ़ोनों में दिया गया है। बात करते हैं सिम की, तो दोनों फ़ोन में आप 2 SIM 7 MB कार्ड डाल सकते हो, और टिप्पणी से का ऑप्शन दिया गया है, और कनेक्टिविटी दोनों में 3G 4G की है, और वारंटी सेम है 1 साल की। बात करते हैं रैम की, दोनों में सेम है 4GB। बात करते हैं मेमोरी की, दोनों में सेम है 64GB की, दोनों फ़ोनों में ज़्यादा फर्क तो नहीं है। बात करते हैं प्राइस की, तो इन्फिनिक्स का प्राइस 4GB 64GB का 9499 रुपये, और रियलमी का प्राइस 4GB 64GB का 9999 रुपये। अगर आप दोनों फोन को फोन की सोच रहे हो, अगर आपको गेमिंग के लिए फ़ोन लेना है तो आप रियलमी के साथ जा सकते हो, अगर आपको बैक कैमरा बढ़िया चाहिए तो आप इन्फिनिक्स के साथ जा सकते हो। वैसे दोनों फ़ोन में ज़्यादा फर्क तो नहीं है। बाकी आप देखिए आप दोनों फोन से कौन सा फ़ोन पसंद आया, कौन से दोनों फोन से आप फोन लेना पसंद करोगे, और कौन सा फ़ोन आपके पास हैं।